बाजी आपकी अम्मी कहाँ है? बाजी कौन बाजी? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, निकलेगी ना। अस्सलाम वालेकुम मारिया सिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप माशाल्लाह मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए जो है वो जो फाइट मैं लड़ रहा हूँ आप भी उसी फाइट में मेरा साथ दे रही हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप फेयर रिपोर्टिंग कर रही हैं और शुरू से ही कर रही हैं, शुरू से ही ओबीडियंट मेरी बच्ची है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मुझे, मैं उसे यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई भी कभी भी ऐसा मुझे लगा हो कि उसने मेरी कभी बात ना मानी हो। बहुत ओबीडियंट किस्म की जो बच्ची होती हैं वैसी है, ताबेदार। घर में वो बिल्कुल नॉर्मल उसका शुरू से ही बिहेवियर था और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन भी उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह आपको याद होगा मेरा 14वां रमज़ान था ये, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से माँ के साथ जो सहरी बनाया करती थी वो सहरी बनाई, सहरी में मुझे वो ला के दिए रोज़े के लिए, मुझे सहरी ला के दी। उसके बाद हमने इकट्ठे सुबह का नाश्ता किया उस वक़्त और जो है उसके बाद उसने बर्तन समेटे, नॉर्मल बैठे हुए थे, नॉर्मल बातें, नॉर्मल डिस्कशंस जो हर घर में नॉर्मल तरीके से होती हैं वो सब चल रही थी। उसी दिन उसने मुझे फरमाइश भी की कि बाबा मुझे आप लोग पिछले 5-6 सालों से जो है वो आप लोग एक ही जगह ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो इस गर्मियों में जगह हम चेंज करेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, जिधर आप बोलेंगे। सेकेंडली उसका जो बच्चों से प्यार था, उसकी दोनों बहनों से उसका माशाल्लाह प्यार था। सकीना जो है इसके साथ उसका बहुत प्यार था। सेकेंडली उसने जो मेरी छोटी बेटी है सबसे बरीहा, माशाल्लाह उसकी उम्र 2 साल है, तो वो उसी ने पाली है, वही उसकी सारी टेक केयर किया करती थी जैसे बड़े घर की जो बड़ी बच्ची होती है वो करती है। उसी तरीके से वो उसकी पूरी टेक केयर करती थी। जिस दिन, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, तो उससे मैं 11 बजे तक मेरी नज़रों के सामने, मतलब मैं रूम में जाग रहा था क्योंकि रमज़ान थे तो सोने की रूटीन आपको पता है डिस्टर्ब थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी की वालदा साइमा अली काज़मी का अहम तरीन बयान इस वक्त मंजर आम पर आया है। ये इंपॉर्टेंट पैगाम एक अहम मौके पर तमाम तर राजों से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी है। मेरी बेटी आप सबकी बेटी है और आपकी बेटी, बेटियाँ, बच्चे सब मेरे बच्चे हैं और मैं आपका बहुत से भी बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए दुआएं, पहले से ज़्यादा दुआएं करें और मेहदी के लिए, हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें और के अल्लाह ताला खैरियत से वो घर वापस आ जाए अपने माँ बाप के पास। और दूसरी बात ये कि जिब्रान भाई के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस केस पे उन्होंने बहुत से भी बहुत मेहनत की है, बहुत नाइस इंसान है वो, बहुत नेक इंसान है और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ और मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनके लिए दुआ करती रहूँगी। और इंशाल्लाह मेरी बेटी जब घर वापस आएगी तो जिब्रान भाई के लिए भी बहुत बहुत दुआ करेगी। और मैं लाहौर की टीम के लिए, जो लाहौर की टीम है हमारी, जितने वकील्स हैं वो, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी और मेहदी की तरफ से। अल्लाह ताला आपको और जिब्रान भाई को बहुत लंबी ज़िंदगी और सेहत दे कि आप पाकिस्तान की बेटी को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की वजह से हमारी पाकिस्तान की बेटियां महफूज हो जाएंगी। और यकीन करें कि मेरी बेटी का मामला नहीं है, अगर एक बेटी भी बच जाए और वे एक बेटी को बचा लिया जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तमाम बेटियां हिफाजत में होंगी, अपने घर, अपने माँ बाप के पास खैरियत से होंगी, उनको कोई अगवा नहीं करेगा।
और मैं मुझे हमें अपनी अदालतों से पूरा, हमें अदालतों पे पूरा यकीन है, अपनी जजेस पे पूरा यकीन है, और मुझे पूरा यकीन है तमाम इदारों से और अपने पाकिस्तान के कानून से, सबसे मुझे हमें पूरा यकीन है, तभी तो हम सब्र करके बैठे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हक सच का साथ होगा और उनका हमें इंसाफ मिलेगा, और हम जितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और उसका सब्र हमें इंशाल्लाह ताला अच्छा फल मिलेगा। और इस केस पे जिब्रान भाई ने बहुत मेहनत की, जिस तरह क्या कहते हैं इस केस को लेके चले हैं, बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह ताला उनको आगे भी कामयाबी और सेहत दे। और हमें तो अपनी अदालतों पे यकीन करें, इतना यकीन है कि मेरी बेटी 5 मिनट भी घर से बाहर नहीं रही, और बहुत क्लोज, बहुत पास है ना, अपने बाबा के बगैर भी नहीं वो रहती थी, मेरे बगैर भी नहीं, कभी नहीं रही। तो 5 महीने हो गए, और हम 5 महीने से जिस तकलीफ़ में, जिस अज़ियत में हम लोग हैं वो हम ही जानते हैं। ना रात को सोते हैं, ना दिन को सोते हैं, हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए हमेशा की तरह मजलिस करवाई है, जो मैं अपनी बेटियों की मन्नत की मजलिस करवाती हूँ, उनकी ज़िंदगी सेहत के लिए। तो मैं अपनी बेटी ज़ारा के लिए मजलिस करवाई है, उसमें दुआ करवाई है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, वो खैरियत से घर वापस आए, उसकी लंबी उम्र हो। मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ करवाई है, आप भी दुआ करें, हर नमाज में करें, हर अजान के टाइम पे करें। मुझे आपकी, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा आप लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक माँ होने के नाते से मैं आपसे ये करती हूँ अपील कि आप पहले से ज़्यादा मेरी बेटी और मेहदी के लिए दुआ करें, हमें इस केस में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे और अपने अदालतों पे पूरा यकीन है कि हमारी बेटी एक दिन घर वापस आएगी। और आप लोग यकीन रखें कि मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आएगी, और आप लोग भी देखेंगे और वो लोग भी देखेंगे, वो जो लोग झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं और गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप उनकी बातों पे बिल्कुल भी कान नहीं धरें और उनकी बातें बिल्कुल भी ना सुना करें आप। और क्या कहते हैं, मैं उनके लिए भी बस यही बोलूँगी कि वो भी देखेंगे जिस दिन मेरी बेटी घर वापस आएगी अपने माँ बाप के पास, और वो देखेंगे वो, और उनको शायद शायद वो ये चीज़ सोचें कि वो ये गलत कर रहे हैं और जो नहीं है वो उनको नहीं करना चाहिए था, और शायद वो अपनी इस बात पे उनको थोड़ा सा ख्याल आए, थोड़ा सा एहसास हो के जो नहीं है ये गलत करते रहे, झूठ बोलते रहे, ये चीज़ें उनको अल्लाह करे एहसास हो।